आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं यूनिट 5 के टॉपिक्स जो कि है ग्राफिक्स के बिहाफ पे, ग्राफिक्स से रिलेटेड है। डीटीपी स्टार्ट करते समय पहले सेशन में हमने बात की थी ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स के टाइप क्या होते हैं, दो टाइप देखे थे, वेक्टर और रास्टर। उन्हीं को लेकर आज हम दोबारा बात करने वाले हैं क्योंकि यूनिट 5 का टॉपिक है ये। अब इसको समझ पाना मेरी समझ से ज्यादा आसान होगा क्योंकि हमने पेज मेकर पे काम करना सीखा है और इसके बाद फोटोशॉप पे भी काम करना सीख चुके हैं। तो अब इनमें ग्राफिक्स क्या है, क्या हमें फर्क महसूस हुआ, वो समझने के लिए अब हमारे लिए सही समय। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिक्स फाइल क्या होती है, कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके बीच में फर्क क्या है। किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर तैयार की गई इमेज, स्कैनर द्वारा स्कैन की गई इमेज तथा डिजिटल कैमरा द्वारा ली गई इमेज ग्राफिक्स फाइल कहलाती है। फाइल मतलब कोई भी एक सूचना, कोई भी एक जानकारी जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगी वह कहलाएगी फाइल या आपका डॉक्यूमेंट कहला सकता है। अब वो फाइल अगर आपने कोई इमेज कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ करी है, ग्राफिक्स फाइल बनाई है, कोई हार्ड कॉपी को आपने स्कैनर के थ्रू स्कैन करा है या फिर डिजिटल कैमरा के थ्रू किसी इमेज को कैप्चर क्लिक किया है, तो वो जो फाइल रहेगी वह फाइल कहलाएगी ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिक फाइल जो है होते इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसी सेशन में बात करेंगे, लेकिन मेनली उन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट है, टाइप है वेक्टर इमेज और दूसरा है रास्टर इमेज। यहां पर एक पिक्चर दी हुई है, ये जो इमेज लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये एग्जांपल है रास्टर ग्राफिक्स का, और जो राइट साइड में आप एक इमेज देख रहे हैं ये एग्जांपल है वेक्टर ग्राफिक्स का। यहां पर अच्छे और बुरे की तुलना नहीं हो रही, दोनों अपनी जगह पर बेटर है। कहीं पे वेक्टर ग्राफिक्स बेटर है, कहीं पे रास्टर ग्राफिक्स बेटर है, तो उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रास्टर इमेज के बारे में कि रास्टर इमेज क्या होता है। रास्टर इमेज वह इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनती है, यानी ऐसी इमेज जिसका फॉर्मेशन एक पिक्सल से होता है। अब बात आती है पिक्सल क्या होता है। पिक्सल वॉज अ टाइनियस्ट पार्ट ऑफ अ पिक्चर ऑफ एन इमेज। किसी भी पिक्चर का, फोटो का सबसे छोटा भाग कहलाता है पिक्सल। जैसे कि यहां पर रास्टर ग्राफिक्स में मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, तो अगर आप इस पिक्चर पे थोड़ा सा गौर करो तो यहां पर आपको स्क्वायर दिखाई देंगे। ये एक एक स्क्वायर एक पिक्सल है और हर स्क्वायर में केवल एक ही कलर है। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो इसमें ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, ग्रे कलर है, सिल्वर कलर है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हर एक स्क्वायर शेप में केवल और केवल एक ही कलर होता है। सो पिक्सल अपने अंदर केवल एक ही कलर को स्टोर करता है, भले वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो, ग्रे स्केल पिक्चर हो, कलर्स पिक्चर हो, वो कोई मुद्दा नहीं। लेकिन जो इमेज पिक्सल से मिलकर बनी होती है वह कहलाती है रास्टर इमेज। इमेज में पिक्सल का प्रयोग होने के कारण इमेज के आकार को बड़ा करने पर इमेज की गुणवत्ता कम हो जाती है। आम बात है कि अगर हमारे पास कोई छोटे साइज का पिक्चर है, हम उसको कुछ ज्यादा ही एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्टॉर्ट होने लगती है, इमेजेस बिगड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है, कारण भी दिया हुआ है, क्योंकि इमेज के आकार को बड़ा करने पर पिक्सल दूर दूर होने लगते हैं। पिक्सल दूर होने के कारण इमेज स्पष्ट दिखाई
नहीं देती, ये इसका ड्रॉबैक है। रास्टर इमेज के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, यदि इमेज के नाम के अंत में एक्सटेंशन मतलब जो फाइल के नाम के बाद डॉट करके लिखा जाता है, जैसे अगर मैं आपको ऊपर एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा, ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसको मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। इस फाइल का नाम है ग्राफिक्स, जो मेरे डेस्कटॉप पर सेव है, graphics.pdf। .pdf बता रहा है कि ये पीडीएफ फाइल है। एमएस वर्ड की फाइल होती तो अंत में docx डॉक्स लिखा होता, पावर पॉइंट की फाइल होती तो .pptx लिखा होता, एक्सेल की फाइल होती तो xlsx लिखा होता। तो एक्सटेंशन नेम यानी फाइल के प्रकार को दर्शाया जाता है। तो रास्टर इमेज यानी वह इमेज जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, उसके एक्सटेंशंस होते हैं jpg, gif, png, bitmap। अब बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। वेक्टर इमेज वह इमेज होती है जो टेक्स्ट, लाइन तथा आकृति से मिलकर बनी होती है। हालांकि इसे आसान शब्दों में कहूं तो ऐसी इमेज जो कर्व लाइन से मिलकर बनी होती है, यानी ये जो इमेज है इसके कॉर्नर्स पर आप देखोगे तो ये लाइन से मिलकर बनी होती है। इसकी अच्छी बात ये होती है कि आप इसको जितना चाहे उतना बड़ा करो, जितना चाहे उतना छोटा करो, इसकी क्वालिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता कभी, ये इसकी खासियत है। यह इमेज पिक्सल से मिलकर बनी नहीं होती है, इसलिए इनके आकार में कोई भी परिवर्तन करने पर इनकी गुणवत्ता पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, जो मैंने आपको अभी समझाया कि इसका जितना चाहे आप साइज बड़ा कर लो, एनलार्ज कर लो, जितना चाहे आप उसको छोटा कर लो, इसकी क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कभी, कभी डिस्टॉर्ट नहीं होती, कभी ये बिगड़ती नहीं है इमेज, ये इसकी खासियत है। अब वेक्टर ग्राफिक्स के कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिनमें से एक है ईपीएस, ईएमएफ, पीडीएफ, क्लिप आर्ट, ये कभी डिस्टॉर्ट नहीं होता। अब बात करते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में, कि कहां पर हम लोगों को वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें, कहां पर हम रास्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें। तो यहां पर दिया हुआ है रास्टर ग्राफिक्स वह इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, पिक्सल का प्रयोग होने के कारण इमेज के आकार को बड़ा करने पर इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, इमेज के आकार को बड़ा करने पर पिक्सल दूर दूर होने लगते हैं, पिक्सल के दूर होने के कारण इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रास्टर इमेज में प्रत्येक पिक्सल के रंग की वैल्यू स्पेसिफिक होती है, यानी कि हर एक पिक्सल के अंदर एक ही कलर पाया जाता है। इमेज को डाटा एक सीरीज लाइन में होता है, यानी कि देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो पिक्सल्स हैं वो आगे पीछे कभी नहीं होते, वो मैट्रिक्स फॉर्म होता है, रो एंड कॉलम के पिक्सल, यानी ये एक लाइन में सारे पिक्सल्स होंगे, फिर दूसरी रो में अगले पिक्सल्स लाइन से जमे होंगे, तीसरी रो में अगले पिक्सल्स लाइन में जमे होंगे, ये पिक्सल्स कभी आगे पीछे शफल्ड नहीं होते, वो हमेशा एक रो में एक लाइन से जमे रहते हैं, फिर अगली रो में एक लाइन से जमे रहते हैं, पिक्सल्स आगे पीछे ऊपर नीचे कभी नहीं होते। इसमें जैसे जैसे इमेज को जूम करते हैं इमेज डिस्टॉर्ट होने लगती है, इनमें बिटमैप इमेज भी कहा जाता है, और रास्टर ग्राफिक्स का दूसरा नाम बिटमैप इमेज भी होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिजिटली जहां पर हम लोग फोटोग्राफ्स का यूज करते हैं, डिजिटली मतलब जब तक हम इन्हें प्रिंट नहीं निकालते हैं, तो ये रास्टर ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट्स पे जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वेबसाइट्स पर बैनर होते हैं, लेआउट होते हैं, डिजाइन होते हैं, इनका हम कभी प्रिंटआउट अपने जीवन में नहीं निकालते, जरूरत ही नहीं पड़ती,
किसी वेबसाइट का प्रिंटआउट ही निकालोगे, वेबसाइट के अंदर जो डेटा रखा रहेगा, कंटेंट होगा, उसको डाउनलोड करके अगर आपको प्रिंट निकालना हो तो निकालोगे, वो अलग बात है, लेकिन कभी किसी चलती हुई वेबसाइट को प्रिंट नहीं करोगे, सो कोई सेंस ही नहीं। तो जब किसी डिजिटल फॉर्म के लिए हम पिक्चर क्रिएट करते हैं तो वह रास्टर ग्राफिक्स होती है, लेकिन वह ग्राफिक्स जिसको आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वह ग्राफिक्स कहलाती हैं वेक्टर ग्राफिक्स। अब प्रिंट हम लोग निकालते हैं नोटबुक के कुछ कंटेंट हो, टेक्स्ट कंटेंट हो, एप्लीकेशन हो, नोट्स हो, किताबें हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, ब्रोशर हो, फ्लायर हो, फ्लैग्स हो, इन सब के हम प्रिंट निकालते हैं, विजिटिंग कार्ड हो, ब्रोशर्स हो, इन सब के हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए हमें उसको कभी जरूरत पड़ने पर बड़ा छोटा करने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर ग्राफिक्स में। रास्टर ग्राफिक्स में जो कलर कोड इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं RGB, R मतलब रेड, ग्रीन, G से ग्रीन और B से ब्लू, यानी कि ये तीन मास्टर कलर होते हैं जिन कलर को मिक्स करके बाकी नए कलर्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स में हम कलर यूज करते हैं CMYK, C से कैन, M से मैग्नेटा, Y से येलो और K से ब्लैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रास्टर ग्राफिक्स के कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें से सबसे पहला है TIFF, TIFF फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्मेट टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। दूसरा है PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD मतलब कि जो हम फोटोशॉप में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन PSD होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट उसका फुल फॉर्म है। ये दिया हुआ है EPS का फुल फॉर्म, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, JPG का फुल फॉर्म, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ये है PNG का फुल फॉर्म, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसके बाद है GIF का फुल फॉर्म, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, फिर है इसके बाद BMP यानी बिटमैप का फुल फॉर्म, विंडोज बिटमैप। अब इसके बाद बात करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर इमेज वह इमेज होती है जो टेक्स्ट लाइन या कर्व लाइन से मिलकर बनी होती है, यह इमेज पिक्सल से मिलकर नहीं बनती, इसमें पिक्सल नाम की कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए इनके आकार में कोई भी परिवर्तन करना इनकी गुणवत्ता को कोई दुष्प्रभाव नहीं पहुंचाता है। आप जितना इसको एनलार्ज करो, छोटा करो, क्वालिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके बाद इसके कुछ एक्सटेंशन हैं, सबसे पहला है EMF, एनहांस मेटाफाइल, नेक्स्ट इसके बाद EPS, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PSD, पोस्ट स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। वेक्टर ग्राफिक्स का पहला फीचर है इसे मैथमेटिकल इक्वेशन कर्व लाइन से दर्शाया जाता है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स इसे पिक्सल के द्वारा दर्शाया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स इसे आकार से मापा जाता है, इसे मापा नहीं जा सकता। कहने का यह मतलब है आकार यानी कि यहां पर इंचेस, हम लोग अगर फ्लैग्स प्रिंट करवाते हैं तो इतने बाय इतने, इसकी विड्थ और हाइट कितने फीट हो उसके हिसाब से हम लोग प्रिंट निकलवाते हैं। जबकि रास्टर इमेजेस के अंदर जो यूनिट ऑफ मेजर यानी मापदंड जैसे हम कह सकते हैं इंचेस और फीट, मीटर जैसा कुछ नहीं होता, यहां पर पिक्सल्स चलते हैं। रास्टर ग्राफिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इसका रेजोल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता, जबकि रास्टर ग्राफिक्स में सारा काम रेजोल्यूशन पर निर्भर करता है। रेजोल्यूशन बिना प्रैक्टिकली समझा पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा और आपके लिए समझ पाना भी उतना ही मुश्किल होगा। आसान भाषा में मैं यह कहना चाहूंगा इस बारे में कि हम लोगों ने यह कहते हुए सुना है कि यह हाई रेजोल्यूशन है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, लो रेजोल्यूशन है क्वालिटी डाउन है। तो यहां सीधा सीधा इंपैक्ट क्वालिटी पर है, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में रेजोल्यूशन नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये नहीं कह सकते इसकी क्वालिटी खराब ही जाने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। ये चलता है यूनिट ऑफ मेजर विड्थ और हाइट के आधार पर, इंचेस फीट मीटर के आधार पे, जबकि रास्टर ग्राफिक्स जो है ये डायमेंशंस के आधार पे चलता है, डायमेंशंस यहां पे पिक्सल होता है। तो अगला जो सेशन होगा
वो रेजोल्यूशन इमेज रेजोल्यूशन के बेस पर होगा, जिसमें हम ये सीख पाएंगे कि फोटोशॉप में मापदंड क्या है नापने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, इसे लोगो और टेक्स्ट में प्रयोग करते हैं, यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स का काम बेसिकली टेक्स्ट संबंधित काम को बड़े साइज में प्रिंट करना। हम लोग होर्डिंग्स देखते हैं, बोर्ड देखते हैं, फ्लैग्स देखते हैं, तो वहां पर किसी भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा सा बैनर होता है, उस बैनर पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो क्या क्या सर्विस देता है, वो सारा कुछ लिखा रहता है। और बड़े साइज में प्रिंट होता है, क्वालिटी खराब नहीं होती, लोगों को आराम से पढ़ने में भी आ जाता है वो क्या लिखा हुआ है, कौन से नाम की सर्विस है, क्या वो सर्विसेज देते हैं, सारी बातें। जबकि रास्टर ग्राफिक्स का उपयोग फोटो में प्रयोग किया जाता है, यहां पर हम लोग फोटो से संबंधित काम करते हैं, डिजिटल फोटोज बनाना और उसको एक लिमिटेड साइज के फॉर्मेट में प्रिंट करवाना। ज्यादा बड़े साइज में फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे तो ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं कि रास्टर ग्राफिक्स का साइज अब जरूरत के साथ जरूरत से ज्यादा बड़ा किया जाएगा तो वह इमेज डिस्टॉर्ट होने लग जाती है। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात करा ग्राफिक्स के बारे में, ग्राफिक्स के टाइप के बारे में, उसके एक्सटेंशन के बारे में, उनकी अपने अपने फीचर्स के बारे में, और एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं कहूंगा, हालांकि लिखा नहीं है वो मेरे पास, हम लोगों का जो DTP पेपर है उसमें वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब कर चुके हैं या करेंगे, जो भी है, वो पेज मेकर है। हमने पेज मेकर पढ़ा था, उसमें जो ग्राफिक्स इस्तेमाल की जा रही थी वो ग्राफिक्स का प्रकार था वेक्टर ग्राफिक्स। और जो हम लोगों का सेशन अभी चल रहे हैं फोटोशॉप के, फोटोशॉप में हम जो ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं उस ग्राफिक्स का नाम है रास्टर ग्राफिक्स। यहाँ पे पिक्सल्स होंगे, वेक्टर ग्राफिक्स में पिक्सल्स थे ही नहीं, वहां पे केवल लाइंस थी, कर्व लाइंस थी, स्ट्रेट लाइंस थी, जबकि फोटोशॉप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिक्सल। तो ये कह सकते हैं कि रास्टर ग्राफिक्स का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो है फोटोशॉप, और वेक्टर ग्राफिक्स का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है पेज मेकर। हमारे सब्जेक्ट में पेज मेकर इकलौता नहीं है, और भी बहुत सारे, क्वार्क है, क्वार्क एक्सप्रेस नाम से आता है वो है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, एडोब इलस्ट्रेटर है। तो ये सारे वेक्टर के अलग अलग प्लेटफॉर्म, इनमें वेक्टर ग्राफिक्स यूज होती है, और रास्टर ग्राफिक्स फोटोशॉप है उसके भी बहुत सारे हैं, कुछ नहीं तो पेंट भी है, MS Paint, उसमें भी रास्टर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी ही यूज होती है। नेक्स्ट सेशन जो है वो डेवोटेड रहेगा इमेज रेजोल्यूशन पे। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये रास्टर ग्राफिक्स रेजोल्यूशन पर निर्भर करता है, ये पॉइंट प्रैक्टिकली क्लियर होने वाला है।